से 17 ईयर्स अपने वेट कैटेगरी में मैं नेशनल चैंपियन हूँ। साउथ एशियन गेम्स में मैंने गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल विन किया है और मैं पहले पाकिस्तानी लड़की हूँ कि साउथ एशियन लेवल पर मैंने गोल्ड मेडल का हैट्रिक भी किया है। मेरा नाम कुलसुम हजारा है और मैं पाकिस्तान कराटे टीम की कैप्टन भी हूँ और खेलती भी हूँ। और मैंने क्वेटा से स्टार्ट किया, लेकिन जो प्रोफेशनली सही मैंने जो स्टार्ट की कराची से स्टार्ट किया। और मैं हज़ारा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मैंने बहुत सारे कंट्रीज में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, लाइक इस्लामिक गेम्स, एशियन गेम्स और प्रीमियर लीग्स और कराटे सीरीज़ 1, इस तरह के लाइक बहुत सारे टूर्नामेंट्स में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और मेडल विन किया है। फर्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल गोल्ड मेडल था इंडिया में, जब मैंने इंडिया लड़की को नॉकआउट किया और मैंने गोल्ड मेडल विन किया, तो वो मेरे लिए बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जाहिर है जो पाकिस्तान और इंडिया के जो क्लैशेस है, जब आप इंडिया में जाओ स्पेशली उनको हरा के आ जाओ तो फिर उसकी बात ही अलग है। जाके इंडिया में पार्टिसिपेट कर, तब कराटे में हिजाब अलाउ नहीं था, तो वहाँ पे जाके वो कह रहे थे, जापनीज़ रेफरीज थे, वो कह रहे थे आप अगर हिजाब के बगैर आप फाइट नहीं करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। सो उस टाइम मैं कह रही थी मुझे अपना हिजाब रिमूव नहीं करवाना, और वो कह रहे थे आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो मैं काफ़ी गुस्से में थी। सो फिर जब मैंने जाके फ़ाइट की तो वो सारा गुस्सा मैंने अपनी ओपोनेंट लड़की पर उतार दी बिछाई और उसको मैंने नॉकआउट कर दिया। जस्ट लाइक हम इसको पाकिस्तान कलर कहते हैं, जब हम इसको पहनते हैं एक अलग फीलिंग्स होती है, जब आप एयरपोर्ट पर कहीं जा रहे हैं और लोग आपको प्राउड से देख रहे हैं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्पेशली जो एक प्लेयर है वो पाकिस्तान कलर को पहन के जाते हैं तो बहुत खुशी होती है, और स्पेशली जब आप मेडल विन करके आते हो तो वो फिर बात डबल हो जाती है। क्वेटा से स्टार्ट किया और जब मैं क्लब जाती थी वहाँ मैं अकेली लड़की थी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से हज़ारों लड़कियाँ कराटे में आ रही है, लेकिन पहले जब मैंने स्टार्ट किया मैं अकेली थी, और जब मैं क्लब जाती थी वहाँ पर सारे बहुत लड़के थे, इवन वो मुझे बहुत तंग करते थे कि लड़की हो के आके कराटे खेलने आई है यहाँ पे। सो मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं छोड़ दूँ कराटे, लेकिन जो मेरे उस्ताद थे, मेरे बहनोई, वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे कि यही लोग एक दिन आप पे प्राउड फील करेंगे। और जब हमारी फ़ाइट्स होती थी तो मैं उन सबसे विन कर जाती थी। जब मैंने कराटे स्टार्ट किया, मेरे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स थे, मेरे सिस्टर को कहते थे कि इस लड़की होकर इसको कराटे में आपने भेज दिया, चोट वगैरह लग जाएगी, बाद में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और जब मैंने मेडल विन किया तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने अचीवमेंट्स के साथ मैंने अपनी कम्युनिटी के सोच को चेंज किया। पहले वो अपने लड़कियों को अलाउ नहीं करते थे कराटे जैसे गेम्स में आना, जब वो मेरे अचीवमेंट्स देखते हैं, जब मैं एयरपोर्ट से आती हूँ मीडिया वाले आके लाइक इस तरह रिसीव करते हैं, तो इन चीज़ों के देख काफ़ी खुश हो जाते हैं, लाइक अब वो परमिशन देते हैं उनकी लड़की आ रही है इस फील्ड में। कराटे का मतलब है खाली हाथ, मतलब जैपनीज़ का वर्ड है और इसका मीनिंग है खाली हाथ, यानी विदाउट वेपन के आप अपना डिफेंस कैसे कर सकते हैं। और इसमें दो कैटेगरीज है, फाइट है और काता है। काता इमेजिनरी फाइट को कहते हैं, जिसमें लाइक आप अपने साथ इमेजिन कर रहे हैं कि अगर कोई आपके साथ आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप उसको कैसे ब्लॉक करेंगे। और सेल्फ डिफेंस के टेक्निक्स है ओवरऑल। और दूसरा है फाइट, तो फाइट में आप कंपटीशन में आप जैसे हमारी कंपटीशन होती है आपने पॉइंट्स लेने होते हैं, और 0-8 का अगर डिफरेंस हो तो फिर वो नॉकआउट हो जाता है। फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल विन किया, जाहिर है बीइंग अ प्लेयर आपके लिए, जब आप पहले टाइम आप पोडियम पे जाते हो, आप जब विक्ट्री स्टैंड पे आप खड़े हो के फर्स्ट पे, और आप पाकिस्तान का फ्लैग लेके जब आप खड़े हो जाते हो और नेशनल एंथम बजता है और इसके एहतराम में जब पूरे स्टेडियम में सारे लोग खड़े हो जाते हैं, सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट वो था जब मैंने फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल विन किया। सोशल प्रॉब्लम बहुत फेस करने पड़े जब मेरे उस्ताद टारगेट हुए, जो हमारे घर के सरपरस्त भी थे, उसके बाद हमें बहुत फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हुए। और इवन मेरी जो एक सिस्टर थी वो पर्शियन टीचिंग करने जाती थी, जो मेरी दूसरी सिस्टर थी वो कढ़ाई वगैरह करके घर के गुजारा वगैरह करते थे। सो उस टाइम वो जो टफ टाइम था वो बहुत लाइक हमेशा याद रहता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कराटे को जो हम प्लेयर्स हैं, स्पॉन्सर्स की बहुत कमी है, लाइक इतने स्पॉन्सर आगे नहीं आते, जिसकी वजह से हम जाके इंटरनेशनली ज़्यादा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कराटे में बहुत टैलेंट है, कराटे में एशियन मेडलिस्ट है, यूरोपियन मेडलिस्ट है, बहुत सारे मेडलिस्ट है, अगर हमें भी स्पॉन्सर मिल जाए इस तरह हम आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, स्पेशली ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकें। एंड में मैं HPL, PSL और इनवर्ट्स को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे हीरोज़ के जो सेगमेंट उन्होंने स्टार्ट किया है, इसकी वजह से हम बाकी जो स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं उनको बहुत से लोग जानने लगेंगे, और उनके प्रमोशन में ये बहुत लाइक हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच।